उनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी जहां वो वोट देने के बाद मीडिया से मुखातिब हुई और क्या कुछ बोला है। तो दो चीजें एक साथ थी, मधुबन में आपको बता रहे थे कि मधुबन के बिंटोलिया गांव में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है, उसके तुरंत बाद आपको अनुप्रिया पटेल को दिखाया जिन्होंने अभी अभी बिल्कुल वोट दिया है और वोट देने के बाद उन्होंने कहा है कि एनडीए को जनता जिताने जा रही है। सीधे चलेंगे अपने गेस्ट की ओर और दो तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि जहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया और अनुप्रिया पटेल ने वोट दिया है। जय दीक्षित साहब, आप कुछ कह रहे हैं। कविंद्र जी, मैं बताना चाह रहा था कि अभी हम थोड़ी देर पहले गरीबी की बात कर रहे थे कि गरीबों के कल्याण की बात कर रहे थे, फिर हम दलितों पे आ जाते हैं। 1970 के दशक से जब कांग्रेस इंदिरा गांधी की सरकार थी तब से एक योजना आई कि गरीबी हटाओ, और 70 से आज 50 वर्ष बीत चुके हैं, गरीबी तो नहीं हटी, बट गरीबों के कल्याण की बात करके जो सत्ता में स्थापित हुए वो जरूर करोड़पति और सैकड़ों करोड़ के मालिक हो गए। तो ये लोकतंत्र है, यहां से गरीबी कभी खत्म नहीं हो सकती। हाँ, अगर कहीं कुछ करना है या जो सरकार सत्ता में स्थापित है वो कुछ करना चाहती है तो कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर पे हमें अभूतपूर्व सुधार करना होगा। कल एक हमारे मित्र कहीं चर्चा चल रही थी तो उस इस चुनाव के दौरान वो ग्राउंड पे ये चीज याद रखिएगा जय दीक्षित साहब, मैं भी काफी हर कुछ भी बात बोलनी हो तो मित्रों को रेफरेंस कर देता हूँ, ये मित्र मंडली कहीं किसी दिन पकड़ ना ले हम लोगों को कब बोला है सामने। चलिए, हमारे मित्र ने कहा कि ग्राउंड पे कहीं थे तो बोले कि भाई किस मुद्दे पे वोट करोगे, तो युवा बड़े अग्रेसिव हो गया कि भाई साहब बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, हम बेरोजगार हैं, हम बेरोजगारों को सरकार ने नौकरी नहीं दिया इसलिए हम इस बार सरकार के विरुद्ध वोट करेंगे।